हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सीटेट 2019 की तैयारी आप सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे और उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा होगा। इसीलिए मैं आपके लिए डेली दो क्लासेस लेकर आता रहता हूं। बार बार आप लोग मैसेज कर रहे थे कि जल्दी से सब पूरा सिलेबस करा दीजिए, तो दोस्तों इसीलिए दो क्लासेस डेली आती हैं। एक क्लास सुबह आती है जिसमें आज मैंने आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर 14 कम्प्लीट कराया था, जो हम लोगों की चाइल्ड डेवलपमेंट की चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा एक क्लास में आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं हम लोग। तो इस प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले वर्षों में पूछे भी जा चुके हैं। पार्ट 5 पर्यावरण अध्ययन का होता है, तो दोस्तों इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, लगभग 23 क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर जरूर दे दीजिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपको उसमें से आते हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देता रहूंगा और समझाता रहूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इसी प्रकार की पूरी सीटेट यूपीटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए जल्दी से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, तभी आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों सीटेट 2019 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सभी लेटेस्ट वीडियोज़ एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप लोग पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं, सभी पार्ट्स की सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और आप लोग अच्छे से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है, पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा दर्शाती है। देखिए दोस्तों, जब पानी में क्लोरोफॉर्म की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो क्या चीज़, किस चीज़ को दर्शाती है? तो दोस्तों ये मानव निर्मित जो कचरा होता है इस प्रदूषण को दर्शाती है। पानी में क्लोरोफॉर्म की मात्रा क्यों बढ़ जाती है? जब मानव निर्मित कचरा जो है वो बढ़ जाता है, उससे प्रदूषण होने लगता है, तो पानी में क्लोरोफॉर्म की मात्रा बढ़ जाती है। इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेब, संतरा, अनार और केले के खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न क्यों होता है? देखिए जल्दी से, मैं पहले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिखाना भूल गया था, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से देखिए और अपना आंसर बताइए कि संतरे का स्वाद भिन्न क्यों लगता है। देखिए दोस्तों, बाकी आपके सभी आपको पहली बात तो फल दिए गए हैं, लेकिन संतरा जो दिया गया है आपको, संतरा कैसा होता है स्वाद में? खट्टा होता है संतरा, और खट्टा होता है खट्टी चीज़ों में, कोई भी खट्टी चीज़ होगी, चाहे वो आंवला हो, संतरा हो, कोई भी फल ले लीजिए, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा होता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक होगा, सही होगा, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया गया, इसमें विटामिन सी होता है, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पूछा गया पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति कैसे बनी हुई है, ये पूछा गया। ओजोन परत की बात नहीं हो रही बल्कि ओजोन गैस की बात हो रही है यहाँ पर। तो वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति कैसे बढ़ी है? चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से देख के अपना आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण ओजोन की उपस्थिति बनी हुई है, तो इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। और ओजोन परत अलग चीज़ होती है, वो हमें यूवी रेस से, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है उससे बचाती है, और ये ओजोन गैस अलग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रैन बसेरा क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, जनरल, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है कि रैन बसेरा होता क्या है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। दोस्तों देखिए, आप लोग रैन बसेरा नाम से ही समझ रहे होंगे, रैन बसेरा यानी कि रात को बिताने का स्थान, किसके लिए? जब कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, या आपने सर्दियों में बड़ी बड़ी जगहों पर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप के पास में रैन बसेरा बना हुआ देखा होगा। वो एक टीन का शेल्टर होता है, उसके अंदर गद्दे लगे हुए होते हैं, तख्त पड़े हुए होते हैं, सोने का स्थान होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जो आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थान रखा जाता है, अस्थायी बस्तियां बनाई जाती हैं, वो रैन बसेरा कहलाता है, और ये रुकने के लिए उनके लिए अस्थायी रूप से स्थान बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेलों से बच्चों में मुख्य रूप से किसका विकास होता है? खेल हम लोग खेलते हैं, खेल से किस चीज़ का विकास होता है? देखिए जल्दी से, चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों खेल से हम लोगों की सृजनात्मकता की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि खेल के अंतर्गत बालक अपने बुद्धि का विकास करता है, शारीरिक विकास करता है, और अलग अलग चीज़ों के माध्यम से सोचता है कि किस रूप से इस कार्य को करना है, तो इससे सृजनात्मकता, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ मिलता जुलता है तो उसकी बुद्धि का भी विकास होता है।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो दोस्तों पर्यावरण के संदर्भ में देखिए कौन सा तत्व सही है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या होता है? पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, सही बात है। अजैविक तत्वों का समूह है, ये भी सही बात है। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही आपको दिए गए हैं तो इसका यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों तत्वों का समूह है, ये आप लोग देख लीजिए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? आपने देखा होगा, भैंस देख लें, गाय देख लें, इनकी पीठ पर कौआ और बगुला बैठ जाते हैं अगर, और ये जानवर इनको पीठ से भगाते भी नहीं है। क्यों नहीं भगाते हैं? ये क्या करते हैं अगर, तो इनकी जो पीठ पर परजीवी, इनके शरीर में परजीवी कीट आ जाते हैं जो इनका खून चूसते रहते हैं और इनके जो अन्य चीज़ें हैं इनके शरीर में मतलब नुकसान पहुँचाते रहते हैं। तो बगुला और कौआ ऐसे पक्षी होते हैं जो इनको, इनकी पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं इनको खा जाते हैं, जितने भी इनको दिख जाते हैं कीड़े मकोड़े इन सभी को खा जाते हैं, जिसकी वजह से इनको नहीं भगाते हैं और ये इनके एक प्रकार के दोस्त जीव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलन क्या होता है? दोस्तों अनुकूलन आपने सुना होगा, किसी जगह पर रहने के अनुकूल बनाने की क्रिया को अनुकूलन कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए जल्दी से, अनुकूलन की परिभाषा आपसे पूछी गई है। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं या आगे वर्षों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए लिखा है कि विपरीत परिस्थितियों के प्रति स्वयं का सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जिनमें आप, आपसे वो भिन्न परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, और उनमें आप अपने आप को समायोजित कर लें, सामंजस्य बैठा कर उसके अनुकूल हो जाएं, यही पूरी प्रक्रिया जो होती है अनुकूलन कहलाती है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब मिट्टी पानी का घोल रात भर एक बाल्टी में रखकर छोड़ दिया जाता है तो गंदगी क्या हो जाती है? आपने देखा होगा, कोई भी बर्तन ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, उसमें आप मिट्टी पानी या कोई भी चीज़ का घोल बना दीजिए जो पानी से थोड़ा अलग हो सके बाद में। तो दोस्तों इनको आप हिलाकर रख दीजिए रात में, तो मिट्टी जो होगी वो बाल्टी की तलहटी में जम जाएगी और पानी ऊपर ऊपर आ जाएगा, यानी कि गंदगी जो होती है वो तलहटी में जम जाती है। इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे आसपास के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना कैसी होती है? हमारे आसपास जो तालाब होते हैं उनके, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है? जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसका आपका चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इनका जो तना होता है लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पानी में तैर सके, और पानी में ये इनकी जो तना होता है, पत्तियाँ होती हैं वो सड़े ना, इसकी वजह से इनका तना जो पौधे की संरचना होती है, तो तना इनका लंबा खोखला और हल्का होता है। इसके बाद जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ इनकी चिकनी होती हैं, इनकी पत्तियों में मोम जैसा पदार्थ लगा होता है जिसकी वजह से पानी में सड़ती नहीं है। यदि आप ऐसी कोई पत्ती, पेड़ की पत्ती पानी में डाल दें तो आप देखेंगे कि वो पीली पड़ जाएगी, धीरे धीरे सड़ने लगेगी, लेकिन पानी में जितने भी पौधे होते हैं इनकी पत्तियाँ कभी सड़ती नहीं है, यही इसका कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में औपचारिक शिक्षा को प्रदर्शित करता है। नीचे आपको यह आरेख दिया गया, इसमें औपचारिक शिक्षा बताई गई है कि तीन प्रकार होते हैं, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, ये तीनों इसके प्रकार होते हैं। ए में दिया गया है आपको प्राथमिक और माध्यमिक, बी में दिया गया है प्राथमिक और उच्च स्तरीय, सी में दिया गया माध्यमिक और उच्च स्तरीय, और डी में इन चारों का मिश्रण दिया गया। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? चारों का मिश्रण होती है। और आपसे पूछा क्या गया कि औपचारिक शिक्षा किसको प्रदर्शित कर रहा है? देखिए तीनों इसी के पार्ट होते हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन में सभी चीज़ें आ रही हैं, तो इसका डी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दोस्तों आरेख पर आधारित या आपका कोई ग्राफ पर आधारित, इन पर आधारित एक क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन में आपको 100% मिलेगा। इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का क्या अभिप्राय? पर्यावरण शिक्षा बच्चों को क्यों दी जाती है? इसका मतलब क्या, उद्देश्य क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा जो दी जाती है बच्चों को, ये पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पर्यावरण में कैसे नई नई चीज़ों का सृजन किया जाए, इस सब के लिए किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण हेतु अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण तत्वों को विश्लेषण व
तथा व्यवस्था की जाती है, इसके तत्वों में समावेश नहीं है। तो इसके तत्वों में किसका समावेश नहीं है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत इनमें से कौन सी चीज़ नहीं आती है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से अपना आंसर देखिए और आंसर बताइए। तो दोस्तों शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत झगड़े को इसमें थोड़ी ना लिया जाता है, हम अपने आसपास के पर्यावरण को लेते हैं, उद्देश्यों की रचना करते हैं, उसको कैसे कार्य को व्यवस्थित करें, विश्लेषण करें, ये बताते हैं और शिक्षार्थियों की निष्पत्ति का आकलन करते हैं। लेकिन इसका जो सेकेंड थर्ड नंबर ऑप्शन है, व्यक्तिगत झगड़े को इसमें नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्यों? देखिए जल प्रभावी तो होता है लेकिन पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि समुद्र में भी पानी की सतह पर आग लग जाती है। क्यों लग जाती है आग? क्योंकि पानी जो होता है, पानी के ऊपर तेल जब फैल जाता तो वो पानी में मिश्रित तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अमिश्रणीय होते हैं। तो पानी के ऊपर तेल की अलग परत जम जाती है और वही परत जलती रहती है और जल आग को बुझाने में प्रभावी नहीं होता है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन में देखिए लिखा है कि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है इसलिए जलता रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी और दीवारें और फर्श को लीपा जाता है क्यों? आजकल तो ये सभी चीज़ें बंद हो गई लेकिन पुराने ज़माने के लोग कितने अच्छे, मतलब कितने बुद्धिमान थे, कितने अपनी बुद्धि से कार्य करते थे। सभी जितनी भी दीवारें होती थी, फर्श होती थी, उन्हें गाय के गोबर से लीप दिया जाता था क्योंकि गाय के गोबर में ऐसी चीज़ें होती जो हमें कीटनाशक से बचाती, कीटों से बचाती हैं और उसके लीपने से कीट जमीन पर या घर के अंदर जल्दी नहीं आते हैं। तो इसका देखिए सेकेंड नंबर ऑप्शन दिया गया, कीटों को दूर रखने के लिए यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को समझते जरूर रहिए, उम्मीद करते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। बस आप लोग अच्छे से देखते रहिए, शेयर करते रहिए, अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लिया करिए और अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। मेन चीज़ मैं आपको जोर देके इसीलिए बताता हूँ, उद्देश्य नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया, तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो कौन सा इनमें से उद्देश्य नहीं, देखिए सृजनात्मकता, चिंतन योग्यता, उत्सुकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, सही बात है, आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित होती है, तर्क शक्ति विकसित होती है, सही दिया। लेकिन फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये चीज़ें जो दी गई ये इसके लिए नहीं किया जाता, ये पहेलियों का उद्देश्य नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। देखिए दोस्तों मलेरिया रोग जो होता है मच्छर से फैलने वाला रोग होता है और ये कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि जब खून की जांच की जाती है तो उससे कहाँ पर ये मच्छर पाया जाता है जिससे उसकी जाँच की जा सके। तो दोस्तों रुधिर को क्षतिग्रस्त कर देता है इसकी कोशिकाओं को, यकृत कोशिकाओं को, तभी आपने देखा हो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, सभी चीज़ें इसकी वजह से ही होती हैं। इसका आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रुधिर में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं को पहचानने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन कैसे पदार्थ होते हैं, किस लिए इनका प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया और मैं आपको कई बार करवा भी चुका हूं। तो इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, यानी कि विटामिन जो होते हैं ये हमें हीनताजन्य रोगों से बचाने में मदद करते हैं। अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपका आज का क्वेश्चन है, मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं। जैसे हम लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं, फेफड़े मदद करते हैं, मछलियाँ पानी के अंदर किससे सांस लेती हैं ये आप लोगों को बताना है, जो कि घुली हुई ऑक्सीजन होती है, लेकिन किसके द्वारा सांस लेती हैं, शरीर के अंग का नाम आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षिकाएँ एक शिक्षार्थी से ऊँट की चार विशेषताएँ बताने को कहती हैं। शिक्षार्थी ने ऊँट की चार विशेषताएँ इस प्रकार बताई, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ऊँट की त्वचा मोटी और शुष्क होती है, ऊँट बिना जल और पानी बिना पानी के कई दिनों रेगिस्तान की जमीन पर चल सकता है, सामान्यतः एक प्यासा ऊंट एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है। तो देखिए दोस्तों अब आपको बताना कि कौन सी विशेषता इनमें से सही है, कौन सी गलत है। देखिए पहला दिया गया रेगिस्तान का जहाज, बिल्कुल सही बात है, इसकी त्वचा जो होती मोटी और शुष्क होती है ताकि ये गर्मी बर्दाश्त कर सके। अगला, ऊंट पानी बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है रेगिस्तान में, क्योंकि वो अपने कूबड़ में पानी को और खाद्य पदार्थों को जमा कर लेता, उससे ही अपना जीवन यापन करता रहता है और एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका देखिए फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया गया, ये सभी विशेषताएं जो बताई गई हैं बिल्कुल सही बताई गई हैं।
अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में तैरती रहती जबकि जल में डूब जाती है, क्यों? तो दोस्तों लोहे की कील पारे में तैरती रहती है और जल में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पारे का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, इस वजह से कील जो है पारे में तैरती रहती है और पानी में डूब जाती है। पानी में उसका घनत्व के हिसाब से वो अपने आप को नहीं जमा पाता और पानी में वो डूबने लगती है कील। इसका आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों गोताखोर देखिए ऑक्सीजन गैस तो लेते हैं लेकिन इसके साथ एक गैस और ली जाती है ताकि वे पानी में आराम से सांस ले सकें। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन गैस होती है क्योंकि ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है क्योंकि मेन चीज़ ये हल्की होती है और घुलनशील होती है। तो इसका आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस जो होती है गोताखोर सांस लेने में प्रयुक्त करते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या होती है? देखिए आवश्यक सामग्री क्या होती है, वहाँ की मेन जो घर होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं तो उनको पाट कर क्या किया जाता है, कैसे पाटा जाता है, ये आपको बताना है। अपना आंसर अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर दे दें। तो इसका आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद आप लोगों को बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो दोस्तों कटीली झाड़ियों का प्रयोग किया जाता, इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों आज का अंतिम 23 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अम्ल वर्षा का निर्माण मुख्यतः किन दो गैसों से होता है? तो दोस्तों इनमें ऑप्शन कुछ गलत दिए गए हैं तो आप लोगों को ऑप्शन हटा के मैं सीधे बता दे रहा हूं कि अम्ल वर्षा जो होती है यह अम्लीय वर्षा होती है, यानी कि कुछ गैसों के मिश्रण से जब वो जमीन पर गिरती है तो वो अम्लों में परिवर्तित हो जाती है और अम्ल वर्षा कहलाती है। यह हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, जमीन होती है, इन सभी को नुकसान जाती है। कई जर्मनी के जंगल अम्ल वर्षा के कारण ही समाप्त हो चुके हैं। तो अम्ल वर्षा में प्रमुख गैसें जो होती हैं वो SO2 होती है, एक होती है N2O नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें होती हैं और इनसे H2SO4 और दूसरा बनता है HNO3, ये अम्ल बन जाते हैं और इससे जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा में परिवर्तित हो जाती है। ये दोस्तों आपके आज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक एक चीज़ को इसी प्रकार से समझते रहिए और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। आगे आपको इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी दे दें और प्लेलिस्ट में सभी पिछली वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों।